तो आप देख रहे हैं कि परी रेडी हो गई है, ये बैकपैक्स हो गए हैं और व्योम भी रेडी हो गया है, ये देखिए। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30। सो गुड मॉर्निंग रिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि अभी आपने देखा, पैकिंग हो गया था, कपड़े डाल लिए थे और अभी निकल आए हम बाहर। अब आ गए हैं हाईवे पे और आप वीडियो के एंड तक बने रहना और देखना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप अगर किसी को पता चल गया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वहाँ पे मैं क्यों जा रही हूँ मैं ये भी आपको बताऊँगी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी मेरी। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अगर किसी ने भी ट्रेवल करना हो दिल्ली की तरफ तो सुबह सुबह आ जाओ, 4 और 6 के बीच में आपको ये सारे रोड खाली मिलेगी, वरना इतना ट्रैफिक रहता है इस तरफ बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए बिल्कुल खाली है, ये यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि अभी 5 बज रहे हैं सुबह के और मैं उठ गई थी आज 3:30 बजे। व्योम भी 3:30 बजे उठ गया था, वो गलती होगी मेरे से, वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो दिखाती है आपको कि ये मेरा लाल मेरे साथ ही उठ जाता है और परी उठी है 4 o'clock। उसको तो बहुत मुश्किल से उठाया है, उसका तो मन ही नहीं था जाने का कि मुझे नहीं पापा के साथ रहना है। अगर पापा ऑफिस नहीं जा रहे होते, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते तो मैं दीदी को छोड़ देती, आपकी दीदी को, है ना व्योम। इसको मैं सुला नहीं रही हूँ क्योंकि उस जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे ये तंग करेगा मुझे। तो मैं चाह रही हूँ कि जब मैं ट्रेवल करूँ तो तब ये सोए, अभी ना सोए। तो इसको बातों में लगा रही हूँ, यॉर्निंग ले रहा है ज़बरदस्त वाली। तो ये देखिए, ये है विकास मार्ग की और ये है हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर, सॉरी PWD वालों का। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है दिल्ली ना यहाँ पे अभी, वरना इस रोड पे तो बहुत ट्रैफिक रहता है। यहीं पे राजीव चौक आएगा, CP आएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो अभी से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे तो रहता ही है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब ऑफिस हैं बड़े बड़े। तो ये देखिए यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, ये एक स्टेशन है जिस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये कौन सा स्टेशन है। ये है न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, ये दिख रहा होगा, ये एंट्री है तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना रेलवे स्टेशन। और ये है कुली नंबर वन, BB नंबर 1 होता है वैसे ये सॉन्ग, गलत गा दिया मैंने। ये वाओ ब्यूटीफुल न्यू दिल्ली, ये न्यू एक्सपीरियंस है हमारे लाइफ का। पहुँच के हैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, तो अभी बस हम जा रहे हैं ट्रेन लेने के लिए, क्योंकि वैसे ट्रेन का जो टाइमिंग है वो है 5:50। तो हम पहुँच गए 5:15 बजे के आसपास और ठंड बहुत हो गई है। परी को भी स्वेट जैकेट पहना दिया है, व्योम को भी बनाया हुआ है, व्योम दिखाओ कहाँ पहना हो। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, सोचा था हम एक्सीलेटर पे जाएंगे तो बैड लक हमारा ये वर्क नहीं कर रही है, तो बहुत थक गए हैं हम लोग। परी तो चढ़ गई है फटाफट से, ओ गॉड की व्योम को मैंने उठाया हुआ है, ओ गॉड कितनी लंबी वाली थी ये देखिए, ये इतना वॉक ही नहीं कर रही है। और ये स्कैनिंग हमारे बैग की, ये देखिए कितने प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पे, 11, 12 पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म है। हमारी आई थिंक आएगी परी, तो अभी हम लिफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि लगेज है हमारे पास। तो ये है हमारी ट्रेन और इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत है ट्रेन का नाम है ना, तो इसी ट्रेन में हम लोग जाएंगे। और हमारा जो सीट नंबर है वो है C4 और C5, तो इसमें है। और देखिए ये आगे हैं हम वंदे भारत में और कितनी लग्जरियस सीट्स हैं ये देखिए यहाँ पे।
और परी बैठ चुकी है। परी कहाँ है? परी आई एम कमिंग, ओके। तो व्योम बहुत रो रहा है, बहुत क्रैंकी हो गया है, एक ग्रीन बटन है दबाने के लिए। सो ट्रेन चल पड़ी है और परी को लग गई है भूख और व्योम सो रहा है। ये ट्रेन जो है ना अब ये सीधा जाके रुकेगी अम्बाला के ऊपर से, उसके बाद फिर रुकेगी चंडीगढ़, उसके बाद आगे ये जा रही है अम्ब हिमाचल इंदौरा वाली ट्रेन है ये। तो भी कितनी स्पीड है इसकी है मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको बता दूँगी कितनी स्पीड है, मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगी, आप देख लेना कितनी स्पीड है इसकी वंदे भारत की, कितनी स्पीड चल रही है ये। तो व्योम सो गया और मुझे अब आई है राहत और मेरे गंदे गंदे पिंपल्स हो गए हैं, मुझे प्लीज़ बताना कि क्या करूँ, पानी का इंटेक कम है या क्या है, जब भी फास्ट रखती हूँ तो नेक्स्ट डे ही निकल ही जाते हैं मेहमान। और एक ये भी चीज़ है, जितनी बार भी चंडीगढ़ गई हूँ ना अपनी मम्मी के पास, मतलब ये दो मेहमान तो मैं लेकर जाती हूँ, मतलब हमेशा पिंपल्स होते ही हैं। तो मेरी मम्मी कहती है तो क्या है ये, जब भी आती थी जब भी इस पर ये निकला ही होता है, तो सही बात है ये। अच्छा क्या है कि जब भी मैं जाती हूँ ना हिमाचल सॉरी चंडीगढ़ मम्मी के पास, तब भी निकलता ही है, जरूर निकलता है ये। आई थिंक इसको भी जाना होगा मेरी मम्मी के घर। चलिए मज़ा लेते हैं हम इस ट्रेन का, बड़ी लग्जरी वाली वो है ट्रेन है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है ना इसमें, बड़ा मतलब मज़ा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पहुँच गया, अभी कितनी हो रहा है, 5:50 पर चली थी ये ट्रेन और अभी हो गया 5:20। तो देखिए अभी दिन भी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा बाहर, अभी अभी यहाँ पे ना चाय आएगी, बिस्किट्स आएंगे और फिर बस जूस भी आता है ब्रेकफास्ट में आता है चाय में, और ब्रेकफास्ट भी आएगा, चलो आएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको, तब तक बने रहना इस वीडियो में। और मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं कि चंडीगढ़ जा रही हूँ ना, मैं पागल हूँ ना बता दिया। चलो ठीक है, तो ये देखिए आ गई है चाय और चाय मैंने बना लिया है, ये खाए पाउच में प्रीमिक्स कैनेडा का, बहुत ही अच्छी बड़ी टेस्टी चाय है, बहुत ही अच्छी टेस्टी है। और अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट आएगा, ब्रेकफास्ट में अभी जो आएगा मैं दिखाऊंगी आपको, तो बहुत ही मतलब मज़ा आ गया है इस ट्रेन में बैठ के, बहुत ही स्पीड से चल रही है ना ये, देखो बहुत अंदर तो वैसे बैठ के ऐसे लग रहा है कि स्पीड कम है, लेकिन जो बाहर होगा ना उससे पता चलेगा कि कितनी स्पीड में चल रही है, बहुत फास्ट चल रहा है। और सूर्य देवता जी भी आ गए हैं, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सनराइज, कटलेट और क्या है ढोकला है ना, नीचे मत रखो बेटा प्लेट के अंदर ही रखो, केचप है और ये स्टरलाइजेशन से यार दिमाग खराब, बॉटली बॉयल करके ना स्ट्राइक करके वही दिमाग में बैठ गए, ये है वो सैनिटाइजर है ये। तो जो बचा बचा है वो सब हम डाल रहे हैं, ये पानी की बॉटल है, ऐसा कौन करता है, ये परी करती है हमारी, ये मामा बॉटल ले चलो और क्या लेके जाओ, ये और न्यूज़पेपर, प्लीज़ रिमेंबर टू टेक, ये मामा घर जाके न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। तो हम लोग प्लीज़ डीबोर्ड केयरफुली ओनली आफ्टर द ट्रेन हैज कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट। परी भी उठ गई है, ब्रेकफास्ट हो गया है परी का भी और भी हम अभी तक सोया हुआ है। हमारा पहुंच गया, अभी नेक्स्ट स्टेशन हमारा है, हम 8:40 पे पहुंच जाएंगे। कृपया ट्रेन के पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें। बहुत अच्छी ट्रेन है यार, मजा आ गया मतलब बैठ के ना, है ना।
अच्छी वाली फीलिंग आई है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। प्लीज रिमेम्बर टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विद यू। तो जो हमने ब्रेकफास्ट किया है ना, वैसे वो टिकट में इंक्लूड होता है, हमने वो इंक्लूड नहीं करवाया था, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं परी कह रही हूँ मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो ये भैया है अभी को मैं पेटीएम करने लगी हूँ, और 170 का था खाना, बहुत ही अच्छा था। तो अम्बाला से रवाना हो चुकी है चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ में हम बस हार्डली 15 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे, और व्योम भी उठ गया, व्योम खुश है ना पहुँच जाता। देखो काय डॉगी है, देखो बताओ मुझे डॉग का है। तो व्योम और बहुत खुश हो गया, अभी तो बहुत अच्छे से खेल रहा है, क्योंकि इसको दिख रहा है वो, तब जब हम सुबह आए थे तो अंधेरा था, तो उस वजह से बहुत रोया, बहुत क्रैंकी हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और बस हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं चंडीगढ़, और मेरे मम्मी आ रहे हैं वहीं से मतलब लेने मुझे वहाँ पेट्रोल पंप, कह रही हूँ यार, क्योंकि अभी पेट्रोल पंप की वो ट्रेन है, वो पेट्रोल की वो जा रही थी ना, ट्रेन जा रही थी, तो मैं परी को बता रही थी कि देखो ऐसे ऐसे सामान जाता है, ऐसे गाड़ियों में ऐसे गुड्स जाते हैं, तो एक ऑयल भी जा रहा था वो भारत पेट्रोलियम, कहाँ कहाँ फेयर। तो बस अभी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़, लड़की बन गई है, लड़की जॉब ने हेयरबैंड लगा लिया, दीदी का किसने लगाया हुआ था, तो चलिए मेरी मम्मी आ गई है और हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे, ठीक है बाय। तो वंदे भारत जा रही है वापस, अम्ब अंदौरा मतलब हिमाचल जा रही है, और हम लोग वेट कर रहे हैं मम्मी का, और मम्मी आने वाले हैं मेरे। ट्रेन को बाय कर दो, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, ये व्योम ने बहुत परेशान किया हुआ है। तो ये है हमारा चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, तो बाय इंडियन रेलवे, बाय बाय, चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।